जब आपके हृदय से अपराध बोध विदा होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों पत्थरों का बोझा आपसे उतर गया। अपराध बोध, ये जो अंदर होता है ना, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। और मेरी तो बहुत स्वभाव है, मुझे तो जरा सी बात पे लगता है मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। और भगवती गंगा के तटों पर जाकर उनका आचमन करके, उनका दर्शन करके व्यक्ति निर्बोध होता है। इसीलिए हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। सुनो जी, कैसी होगी विदेह नगरी, एक ज्ञानी की नगरी कैसी होगी। अगर व्यक्तियों की प्रवृत्ति को जानना होता है ना, तो उनके घर का इंटीरियर देख लीजिए। आजकल तो हम संतोष के घर में हैं। भगवान महावीर इतनी सुंदर समाधि में वहां विराजमान है, जगह जगह पर श्लोक मंत्र लिखे हुए हैं। आपकी प्रवृत्ति आपके घर की दीवारें बताती हैं, आपके ठाकुर जी का स्थान। बेचारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, एक आंख है ही नहीं, टेढ़े मेढ़ा सा मुकुट है, तो समझ में आता है बैठे तो हैं गोपाल जी, पर गोपाल जी की सेवा सेवा एक है ना, खाना पूर्ति करना, कर्मकांड पूरा करना, और एक है मनोयोग से करना। अभी हम अमेरिका के प्रवास में थे तो राधा अष्टमी आई, हमारी ये बिटिया समन्वय ने हमारे लाल जी को राधा रानी बना दिया। नथ पहने लाल जी बिल्कुल किशोरी जी लग रहे थे, किसी तरह लग रहे थे। हाँ, किसी तरह लग रहे थे। कितना सुंदर श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार। आपका, आपको सेवा में प्रीत है तब ये सब होगा, नहीं तो आप खाना पूर्ति करोगे। घंटी बजाई, अगरबत्ती घुमाई, छुट्टी पाई। अगरबत्ती घुमाई, घंटी बजाई, तो एक दिन अगरबत्ती जलाना भूल गया, घंटी बजाना भूल गया, सारा दिन सोचता रहा, हाय आज आरती नहीं की, हाय आज आरती नहीं की, आज आरती नहीं की। भगवान बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न है। भगवान ने कहा आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसने कहा कि रोज घंटी बजाता हूँ, रोज अगरबत्ती, रोज प्रार्थना करता हूँ, तब तो आप प्रसन्न नहीं हुए, और आज आप प्रसन्न हो गए। बोले रोज अगरबत्ती जला के तू मुझसे मुक्ति पा लेता है, पर आज अगरबत्ती नहीं जलाई, पर सारा दिन मुझे याद किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। सारा दिन मैं हृदय में हूं।